अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुक्सित अजीज़ एंड आई वेलकम यू टू गौहर पब्लिशर्स। आर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू गौहर मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 4, चैप्टर नंबर 7, डाटा हैंडलिंग, एंड द टॉपिक वुड बी एक्सरसाइज 7.1। जी, तो चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 में एक बार ग्राफ दिया गया है। इसमें बार ग्राफ पे डाटा सारा रिप्रेजेंट किया गया है और उसके बाद उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम देखेंगे कि वो किस तरह है। व्हाट वाज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन विच सब्जेक्ट वाज द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर्ड। ये नीचे आप देखें तो यहाँ पर मार्क्स लिखे हैं और ये सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं। वो कहता है हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं या कहाँ पर आए हैं। व्हाट वाज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्क्स, तो बार ग्राफ में जो सबसे बड़ी बार है वो ये वाली है और ये नंबर आपके पास आ रहा है 95। तो 95 इज़ द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर्ड। और कौन से सब्जेक्ट में हाईएस्ट है, तो ये ग्राफ बार जो है वो शो कर रही है मैथ्स को। तो मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स हैं और कितने हैं, 95। व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ मार्क्स बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट स्कोर्ड। हाईएस्ट तो हमें पता लग गया कि 95 है और लोएस्ट हमारे पास ये है और ये है 65। तो डिफरेंस कितना है दोनों में, फ़र्क कितना है 95 में से 65 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30। यहाँ पे आपके पास 30 आ जाएगा। आप ग्राफ किसे भी चेक कर सकते हैं कि 5 का डिफरेंस है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है आपके पास डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा आपके पास 30. इन हाउ मैनी सब्जेक्ट्स डिड द स्टूडेंट स्कोर मोर देन 80 मार्क्स। 80 से ज़्यादा मार्क्स किन किन सब्जेक्ट में हैं, तो 80 की लाइन ये है। 80 से ज़्यादा दो ही आपके पास सब्जेक्ट हैं जो कि साइंस और मैथ हैं, एक ये और एक ये 80 से ज़्यादा है। व्हाट वर द टोटल मार्क्स स्कोर्ड, अब टोटल कितने मार्क्स स्कोर किए गए हैं, तो आप तमाम को ऐड करके इसका टोटल निकाल लेंगे। कंप्यूटर में 65 हैं, साइंस में 90 हैं, मैथ्स में 95 हैं और इंग्लिश में 75 हैं। तो 65, 75, 90 और 95 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल स्कोर आ जाएगा। What was the average marks score? अब average marks किस तरह हम find out करेंगे, जो हमारे पास total marks आए हैं उसको हम divide कर देंगे 4 से, क्योंकि 4 subjects हैं तो हमारे पास average marks निकल आएंगे। अब आपने ये देखा कि data बहुत confined सा था, छोटे से graph में सारा data दिया गया था, लेकिन हमने इन तमाम questions के answer इसी डेटा को देखते हुए बता दिए। इसलिए हम बार ग्राफ्स बनाते हैं कि डेटा स्मॉल डायग्राम की शो में होता है, डेटा ज़्यादा होता है लेकिन शो करना और रीड करना उसको एक आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी उन्होंने एक हमारे पास डेटा दिया है बार ग्राफ्स की शक्ल में, लेकिन ये वर्टिकल बार ग्राफ है और इसी तरह कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं। नीचे नाम लिखे हैं मिसिस गनी के बच्चों के, 5 बच्चे नाम लिखे हैं और ये रुपीज़ जो उन्होंने पैसे खर्च किए हैं। तो अब हम आंसर करेंगे हाउ मैनी रुपीज़ डिड आमिर स्पेंड, आमिर ने कितने पैसे खर्च किए। तो आमिर का बार ये है और ये आ रहा है हमारे पास 400 पे, तो 400 रुपीज़ आमिर ने खर्च किए हैं। ओके, हु स्पेंड मोर अमाउंट, अली और अदील, अली ने या अदील ने, इन दोनों में से किसने ज़्यादा अमाउंट खर्च की है। तो अदील का ग्राफ ये है और अली का ग्राफ ये है, तो आप देख रहे हैं कि जो ग्राफ हायर है वो ज़्यादा अमाउंट खर्च की गई है, क्योंकि अमाउंट यहाँ इंक्रीज़ हो रही है। तो आप लिखेंगे कि अदील ने यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट खर्च की है। हाउ मैनी मोर रुपीज़ डिड इरम स्पेंड देन हिना, इरम ने हिना से कितने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। हिना ने 200 किए हैं, ये उसका ग्राफ है और ये आप देखें, और इरम ने 500 किए हैं। तो 500 माइनस 200 हमारे पास आंसर आ जाएगा
300 रुपीज़ इन्होंने ज़्यादा स्पेंड किए हैं। हु स्पेंड द लीस्ट अमाउंट, सबसे कम पैसे किसने खर्च किए हैं, सबसे छोटी लाइन जो है वो हिना की है और उसने 200 रुपीज़ खर्च किए हैं। विच टू चिल्ड्रन स्पेंड द इक्वल अमाउंट, कौन से ऐसे दो हैं जिन्होंने इक्वल अमाउंट स्पेंड की है। तो आप देख रहे हैं कि इरम का ग्राफ और अली का ग्राफ दोनों 500 को मीट कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे इरम एंड अली। हु स्पेंड 400 रुपीज़, किसने 400 रुपये खर्च किए हैं, तो आप देखेंगे 400 ये यहाँ पे मैच कर रहा है और ये आपके पास आ गया आमिर। तो हमारे पास एक बार ग्राफ में बहुत सारा डाटा कॉम्पैक्ट करके हमने लिख लिया और इसको हम रीड भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह के हैं, उनको सॉल्व कीजिए और उनके आंसर की से मैच कीजिए। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।